हाय गाइस, तो इस वीडियो पे आपको बताऊंगा आप व्हाट्सएप पे लास्ट सीन फ्रीज कैसे कर सकते हो। जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन है वो आप फ्रीज कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप में एक फीचर मिलता है, इसको अगर यूज़ करोगे आप जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन आपका है वो हिडन हो जाएगा, फ्रीज नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप व्हाट्सएप में ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन दिखो, तो इसके लिए एक अलग ट्रिक मैं आज बताऊँगा। ये आपको व्हाट्सएप में ये ट्रिक नहीं मिलेगी, ये आपको फ़ोन की सेटिंग्स में एक ट्रिक होती है जिसको आपको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आप व्हाट्सएप में अगर ऑनलाइन भी आते हो तो फिर भी आप ऑफलाइन दिखते हो, जो आपका लास्ट सीन है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ज़बरदस्त ही ट्रिक व्हाट्सएप की। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता ही रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आप जाओगे, यहाँ से आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से आपको जाना है ऐप्स में। यहाँ से आप देख सकते हो ऐप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस सेकेंड एक ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज ऐप्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद थोड़ा से थोड़ा सा वेट करना है जब तक ऐप्स लोड हो जाएगी। तो लोड होने के बाद यहाँ से आपको गाइस देखना है व्हाट्सएप कहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाट्सएप, तो आपको व्हाट्सएप में जाना है। तो व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है आपके सामने शो होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो स्टोरेज है उसको क्लियर कर सकते हो, कैचे क्लियर कर सकते हो। एंड उसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखेगा डेटा यूजेज। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है गाइस, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड डेटा है, तो देख सकते हो इसको मैंने बंद ही रखा था। आपका ये जो बैकग्राउंड डेटा है सबसे पहले आपको देखना है, अगर ये आपका ऐसे ही डिसेबल है तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको देख सकते हो रिस्ट्रिक्टिंग बैकग्राउंड नेटवर्क एक्सेस फॉर दिस ऐप माइट इट टेक इम्पॉसिबल फॉर दिस ऐप वर्क नॉर्मली। जो आपकी ऐप है ये बोलता है यहाँ से, जो आपकी ऐप है व्हाट्सएप वो नॉर्मली वर्क करना बंद कर देगी। रिसीव मैसेज डाउनलोड कंटेंट इट सी रिस्ट्रिक्ट एनी वे, तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद देख सकते हो गाइस, इसको आपको डिसेबल कर देना है। तो ये ऐसे इनेबल होगी, इसको आपको ऐसे ही डिसेबल कर देना है, ऐसे गाइस देख सकते हो। तो यहाँ से इसको ऑफ करने के बाद आप जब आप व्हाट्सएप में जाओगे गाइस, तो यहाँ से आप जब व्हाट्सएप में जाओगे, जो आपका व्हाट्सएप है वहाँ पे अगर आप चैट भी करोगे किसी और के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, तो कोई और अगर व्हाट्सएप में आपको देखेगा तो आपका जो ऑफलाइन ही शो होगा। थैंक यू गाइस सो मच।